नमस्ते दोस्तों, मैं रश्मि जोशी, रसोई रश्मि के चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बनाएंगे शकरकंद का हलवा। चलिए बनाते हैं शकरकंद का हलवा। ये रही सामग्री। ये 500 ग्राम शकरकंद है जिनको मैंने पहले से उबाल लिया है। ये 150 ml दूध है। एक चम्मच छोटी चम्मच से पिसी हुई इलायची है। 10-15 काजू है जिनको मैंने ऐसे बारीक काट लिया है। बड़ी चम्मच से 2 चम्मच घी है ये, और 50 ग्राम शक्कर है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शकरकंद लेंगे और इनको छील लेंगे। इनके छिलके निकाल लेंगे हम ऐसे। सारे शकरकंद ऐसे ही छील लेंगे हम। देखिए सारे शकरकंद मैंने ऐसे छील लिए हैं। अब हम गैस ऑन करेंगे। कढ़ाई को गर्म होने देंगे। कढ़ाई गर्म हो गई है, अब इसमें हम घी डालेंगे। घी को गर्म होने देंगे। गर्म हो गया, इसमें मैंने 2 चम्मच घी डाला था छोटी चम्मच से। अब इसमें हम ये शकरकंद डाल देंगे आराम से ऐसे। इसको ठीक से ऐसे हम दबा के तोड़ देंगे आराम से। देखिए ऐसे सारे शकरकंद मैंने तोड़ लिए हैं दबा दबा के ऐसे। देखिए और ठीक से ये मिक्स भी हो गए हैं घी में। अब इसको थोड़ी देर हम सेकेंगे धीमी आंच पर। देखिए हल्का सा सेक लिया है मैंने। अब इसमें हम ये दूध डालेंगे और ठीक से मिक्स कर देंगे ऐसे। आप लोग भी बनाकर देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसा बना है। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है शकरकंद का हलवा। अब इसको धीमी आंच पर हम पकाएंगे। अब इसमें हम ये शक्कर डाल देंगे और इसको ठीक से मिक्स करेंगे। ऐसे मिक्स कर लेंगे ठीक से। अब इसको 5 मिनट और पकाएंगे हम धीमी आंच पर। देखिए शक्कर ठीक से मिक्स हो गई है। आप लोग चाहें तो शक्कर इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं अपने स्वाद के अनुसार। कोई कम मीठा खाता है, कोई ज़्यादा मीठा खाता है। अब इसमें हम ये पिसी हुई इलायची डाल देंगे। इसको भी ठीक से ऐसे मिक्स कर लेंगे हम। ऐसे और इसमें काजू डाल देंगे कटे हुए, थोड़े से बचा लेंगे। इसको भी ठीक से ऐसे मिक्स कर देंगे हम और गैस बंद कर देंगे। और इसको सर्व करने के लिए एक बर्तन में निकाल लेंगे। ये शकरकंद का हलवा मैंने सर्व करने के लिए निकाल लिया है। अब ये जो बचाए थे काजू वो भी हम इसी में डाल देंगे ऐसे। देखिए शकरकंद का हलवा बनकर तैयार है। ऐसे ही स्वादिष्ट व्यंजनों की रेसिपी देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।